देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि BCA जो कोर्स होता है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस और मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है इंडिया में, कौन कौन सी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती है, तो इन पे ही मैंने सोचा कि एक डिटेल वीडियो बना दूं कि कौन कौन सी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है इंडिया में करी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन सी जो पॉपुलर BCA एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है। तो देखिए, मेजरली आपकी जो जो एग्ज़ाम्स होती है, कुछ मैं ये तो एनालिस्ट करी गई है, IPU CET जो एग्ज़ाम होती है, इंद्रप्रस्थ की जो यूनिवर्सिटी है वो अपनी एग्ज़ाम कराती है, कंडक्टिंग बॉडीज़ की JGS इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है। तो ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है, ये सबसे मेजरली जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, और ये काफ़ी बढ़िया यूनिवर्सिटी है। इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, अगर आपकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर रैंक अच्छी आती है तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। इसके अलावा आपको जो काफ़ी सारे बोनसेस भी मिलते हैं, जिससे कि जो फ़ीस है वो आपको इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी। इसके बाद जो एग्ज़ाम डेट है इसकी, जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है, वो ऑलमोस्ट 12 मई को होती है, हर हर साल ही 12 मई को होती है। तो टेंटेटिवली 2019 और 20 में भी 12 मई को ही एग्ज़ाम होगी। तो इसके जो फॉर्म आना स्टार्ट हो जाते हैं, ये ऑलमोस्ट फेबररी मार्च में जो इसके फॉर्म आते हैं, तो आप अवेयर रहिए कि इसका फॉर्म आप ज़रूर भरें। फिर KIT जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, ये कलिंगा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। इसमें आप कलिंगा यूनिवर्सिटी जो सिचुएटेड है तमिलनाडु में, तो आप वहाँ पर जो है अपना एडमिशन ले सकते हैं। और जो इसकी जो एग्ज़ाम डेट है, ये अप्रैल में होती है, तो अप्रैल में जो इसके एंड एग्ज़ाम हो जाएगी, तो आप ज़रूर से इसका जो फॉर्म है वो जनवरी से मार्च तक देखना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि जो मार्च में इसके जो फॉर्म आना बंद हो जाएंगे, इसके बाद आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है, जो कलिंगा यूनिवर्सिटी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, और इसमें आपका एलिजिबिलिटी मांगता है कि जो आपका 12th पास हो और आपका जो मिनिमम जो 55% जो मार्क्स हो, और जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए 60% मार्क्स ज़रूरी है। इसके बाद जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है, ये भी जो है अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है BCA कोर्स के लिए, और जो इसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है 4th वीक ऑफ मई में होती है। इसके अलावा जो PSET जो यूनिवर्सिटी है, PSET यूनिवर्सिटी भी अपनी खुद की एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है, और PES यूनिवर्सिटी जो कि अप्रैल में जो इसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम इसकी अप्रैल में होगी, तो जो इसके फॉर्म्स हैं वो जनवरी से मार्च के बीच में ज़रूर आते हैं। तो आप ज़रूर जो है अपने फॉर्म देखना स्टार्ट कर दीजिएगा जनवरी से मार्च के बीच में। और इसके अलावा मैं आपको दूसरी एंट्रेंस एग्ज़ाम बताऊँ जो BCA में है, तो इसके अलावा होती है हमारी AIEEE भी होती है। AIEEE जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है BCA के लिए, तो ये जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की कराती है, IIT रुड़की में जो इसमें एडमिशन होता है। इसके अलावा JEE CA जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो इसकी जो एग्ज़ाम डेट है आप देख सकते हैं, भाई जून 23 को हुई थी पिछली बार। फिर जो है BHU PET भी होती है, BHU भारत हिंदू यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है खुद की, तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो JNU में एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तो आप ये भी ज़रूर ज़रूर इसमें अप्लाई करिएगा। इसके अलावा PMCET जो पंजाब यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है BCA के लिए होती है। इसके बाद MST CET जो कि महाराष्ट्र बोर्ड ऑफ, मतलब महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं MST CET के लिए। इसके अलावा जो LUSET होती है, जो LUSET भी काफ़ी जो है महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है अगर आप देखें तो LUSET जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी, जो इसका फुल फॉर्म है लखनऊ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो आप ये ज़रूर दे सकते हैं। 3rd वीक ऑफ जुलाई में इसके फॉर्म आते हैं। इसके अलावा NEET-JEE यूनिवर्सिटी होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जो आपको इसमें एडमिशन मिलता है। इसके अलावा गोवा यूनिवर्सिटी की जो MCA, या जो बाकी जो बची है MCA के लिए जो एडमिशन कराने वाली जो गोवा यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसके अलावा बिट्स में जो आपका एडमिशन होता है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, तो वो भी MCA में एडमिशन होगा। फिर पुणे की जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी MCA में एडमिशन होता है। फिर IPU CET जो मैंने आपको बताया, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, वो भी आपको MCA में एडमिशन कराती है। तो इसी तरह से कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए हमारे चैनल को, क्योंकि देखिए अगर आप लाइक करेंगे तभी मुझे सपोर्ट मिलेगा, और उसी तरह से फिर मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँगा। BSc जो है BCA और सारे करियर ऑप्शंस के ऊपर आपको वीडियोस मिलेंगे हमारे चैनल पे, तो आप प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।